बीती रात प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। आजाद भारत में पहली बार किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है। इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों चौराहों पर उतरकर जमकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो अपने मुखिया की गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने इतनी नैतिकता गिरा दी, कल से अरविंद जी के परिवार को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। देश के प्रधानमंत्री जी ने चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार करवाया है, कोर्ट में अदालत में मामला विचाराधीन है, ये इस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है। इस लड़ाई को देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली के लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। देखिए, इन्होंने पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हम एक जिम्मेदार राजनीतिक राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। हम महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के आदर्शों को फॉलो करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। चारों तरफ से इन्होंने छावनी बना रखा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डेमोक्रेसी काला दिन। भारतीय जनता पार्टी पहले ही इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है, आपने अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लिया, इस विचारधारा को कैसे रोकेंगे? कोई बात नहीं, डिटेन कर ले, हम डरने वाले नहीं है। हम लोग क्रांतिकारी की बीवी है, हमारे लोग के पति भी क्रांतिकारी है, वो भी डरने वाले नहीं, ना उनकी बीवी है ना उनके कार्यकर्ता डरने वाले। संजय सिंह को ना सम्मन भेजा है ना उनको कोई नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने जो है कि आए और छापा मारा, गिरफ्तार कर लिया। ये तानाशाही सरकार का काम है। देखिए, जो कुछ भी देश में हो रहा है उससे एक बात तो सिद्ध हो रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक चीज होती है, ये चीज की ड्यूटी है कि हम इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त चुनाव आयोग नहीं है, वो मोदी आयोग है। दिल्ली के लोगों के दिल में राज करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, और दिल्ली के लोग इसका जवाब देंगे। और मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी गलती नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है देश के अंदर कि अब की बार 2024 में भाजपा जाने वाली है देश से। लेकिन जिस तरीके का डर, व्यापक डर आज बीजेपी और केंद्र सरकार के मन में दिख रहा है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए, उसकी वजह से इन्होंने आज ये असंवैधानिक गैर संवैधानिक इलीगल एक्ट इन्होंने किया है कि अरविंद जी के घर पे रेड किया है। इसके बावजूद कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि 22 तारीख तक ईडी को जवाब देना है, मैं समझता हूं कि बीजेपी को, केंद्र सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब सारे का सारा देश इन लोकसभा इलेक्शन में जरूर देगा। देखिए, ये ओपन कॉल है, हमने सबके लिए कॉल दिया है। आज दिल्ली के लोग यहाँ आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सभी नेता यहाँ आ रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी से सवाल जरूर पूछेंगे। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, हम लोग सब दुखी हैं और हम चाह रहे हैं कि उनकी फैमिली से हमें मिलने के लिए अलाउ किया जाए, और पुलिस ने हमें यहाँ रोका हुआ है। किस कानून के तहत उन्होंने रोका हुआ है यहाँ पे, क्यों नहीं हमें जाने दे रहे, ये हम पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, टुडे द मोदी गवर्नमेंट अरेस्टेड द दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर मिस्टर अरविंद केजरीवाल। This is very condemnable. We condemn it on behalf of Tamil Nadu Aam Aadmi Party. BJP government is insecure. They understood that they will not win in this election. It is surprising that ED comes and arrests him. And of course, it is ED has become a stooge of Bharatiya Janata Party. In fact, it is no more longer an independent agency, and everyone knows it. But there is a saying, "Vinashakale viparit buddhi." जो लगातार एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार राजनीति को आगे लेके जा रहा है, उसके खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी ने जो वेंडेटा पॉलिटिक्स की है, उसके पीछे एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को
लोकसभा की इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि देखिए, असूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज देश में अरविंद केजरीवाल एक लौते ऐसे राजनेता हैं जिससे नरेंद्र मोदी डरते हैं। वैसे तो भाजपा बोलती है अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, उनको पता है अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो अरविंद केजरीवाल, और इसलिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दें। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के ITO और आम आदमी पार्टी दफ्तर और BJP दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने BJP मुख्यालय की ओर जाने वाले मार्गों पर शुक्रवार को सुबह भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया है और कई अवरोधक लगाए हैं, जहां आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी की विपक्षी नेताओं ने भी कड़ी निंदा की है। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, हालांकि अब उन्होंने अपनी याचिका सर्वोच्च अदालत से वापस ले ली है। पहले वो लोअर कोर्ट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।